सुजलां सुपनम मलय जिसितिता सिश्य शामिलं मातिलं बन्द कश्मीर लगता है धीरे धीरे पाक हो जाएगा। मेरी बात सुनना गौर से, जो सर्जिकल स्ट्राइक कल रात को हुआ, कितने लोग बाकी पे रात को सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एक बार हाथ खड़े करें। लगता है कश्मीर धीरे धीरे पाक हो जाएगा और हमारा बारूद पड़ा पड़ा खाक हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कल रात को दाग दो और गोले, कल शाम तक पाकिस्तान साफ हो जाएगा। नमन तुझे वंदे मातरम वंदे मातरम, क्या बात है मेरे शेरों, वंदे मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम, तेरे खातिर मिट जाएंगे, तेरे खातिर मिट जाएंगे धरती मां की कसम हमें, सुधारी भी जाती है और कुत्ते अगर पागल हो जाए तो गोली मारी जाती है। और पिछले वर्ष भी मैंने इस मंच पर बात की और आज बात ये कहना मैं इसलिए जरूरी समझना हूं कि हमारे महावीर चक्र विजेता यहां पे विराजमान है। आज से 4 या 5 वर्ष पूर्व दीपावली के दिन सरहद की उस पार मिठाइयां भेजी गई थी तो उस नापाक देश से वो मिठाइयां वापिस लौटा दी। मैंने एक बार फिर बोला था दालोरी गेट पे आज से 2 वर्ष पूर्व और आपके सानिध्य में बोलना चाहता हूँ मिठाइयां वापिस लौटे उसका कारण क्या, व्हाट रीजन, कि ये कुकर्म जा रहा है मगर कम नहीं होता, कि ये कुकर्म जा रहा है मगर कम नहीं होता, कर रहा है गलतियों पे गलतियां मगर कम नहीं होता। मिठाइयां देसी घी की थी इसीलिए लौटा दी वापिस, अरे कुत्तों को देसी घी कभी हजम नहीं होता। और मेरी बात सुने, देखिए मातृ वतन का मामला थोड़ा अलग है। आज से 4 या 5 महीने पहले की बात होगी, साल भर हो गया होगा, पाकिस्तान की जेल में अपना एक बंदा बंद है जाधव। कितने लोगों को पता है जाधव पाकिस्तान की जेल में है?
जाधव की पत्नी जब पाकिस्तान मिलने गई तो पाकिस्तान जेल में मंगलसूत्र उतरवा दिया, और मंगलसूत्र भाई साहब हमारे सुहाग का प्रतीक होता है। और ठीक 10 दिन बाद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है तो उसके साथ क्या होता है, जैसी करनी थी चौथी पंक्ति पर तालियां चाहूंगा आपकी, जैसी करनी थी वैसा भरकर दिखा दिया, मुंह बहुत चलता था थप्पड़ जड़कर दिखा दिया, अरे तूने तो जाधव की पत्नी का मंगलसूत्र उतारा था और अमेरिका ने तेरे पीएम को नंगा करके दिखा दिया। हजार किलो बारूद हमने दे दिया उनको। और कमबख्त है वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते, साहब जी के कमबख्त है वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को कह रही हूं कि कमबख्त है वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं और थोड़ी हवा लगने पर अपनी औकात भूल जाते हैं। और यही हुआ, दिया बनू तो पतंगा नसीब हो मुझको, दिया बनू तो पतंगा नसीब हो मुझको, नहाने जाऊं तो गंगा नसीब हो मुझको, मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, मरते वक्त ये तिरंगा नसीब हो मुझको। के पाकिस्तान में पानी की बूंद बूंद को रोक दो, आधा पाकिस्तान को तो हमने ऐसे ही हरा दिया था, हमारे किसानों ने जो बिना हथियारों के सैनिक, हमारे किसानों के लिए तालियां बजा दीजिए। के पाकिस्तान में पानी को बूंद बूंद रोक दो, और जो भारत माता की जय ना बोले उन्हें बीच चौराहे पे लाके ठोक दो। और देखिए एक और बात मैं इस मंच के माध्यम से पाक के प्रधानमंत्री बेटे इमरान से कहना चाहूंगा कि सुन बेटा इमरान, अपना जो शख्स है नरेंद्र भाई मोदी, और नरेंद्र भाई मोदी और इमरान की तुलना करता हूं मैं, हम है हिंदुस्तान के सूरज काली रात तुम्हारी है, हम है हिंदुस्तान के सूरज काली रात तुम्हारी है, लो अब हमने देख ली क्या औकात तुम्हारी है, मोदी जी के देशभक्ति को रोकने वाले इस शेर के आगे कुत्ते जितनी बस औकात तुम्हारी है। घाटी में गैरों के झंडे हमसे सहन नहीं होंगे, घाटी में गैरों के झंडे हमसे सहन नहीं होंगे, और अफजल हम शर्मिंदा हैं ये नारे वहम नहीं होंगे, मन की बातें बहुत हुई अब बंद करो मोदी जी, और गद्दारों को माफ करो या बंद करो मोदी जी, बच्चे बच्चे की जुबा पर राम नाम की बोली हो, और जो भारत माँ की जय नहीं बोले उसके सीने में गोली हो। पूरी घाटी दहल चुकी थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, सेना ने अब की बार उत्तर ही दमदार दिया और एलओसी के भीतर जाकर गद्दारों को मार दिया। राजू भैया, हाँ राजू भैया, ये तो मिराज का हमला था, सोचो अगर तानसेन और रजनीगंधा जाएगी तो उनका क्या होगा। दोनों की आती है, दुश्मन और पाकिस्तान, दुश्मनों के हैं हम दुश्मन, यारों के हम यार हैं, दुश्मनों के हैं हम दुश्मन, यारों के हम यार हैं, और बाग में फूलों की डाली जंग में तलवार है, जिस किसी में हौसला हो आजमा के देख ले, मादरे हिंदुस्तान के लिए हम मरने को तैयार हैं। और अब बात पाकिस्तान की आई, मेजर साहब सुनना, रेत को
रेत को जो काट सके ऐसी कोई शमशीर नहीं। इतना खून बहेगा सरहद पर जितना गंगा में नीर नहीं। घर का झगड़ा बाजार में करो ये कोई तरीका नहीं। कश्मीर कश्मीर किसका है ये हम बताएंगे अमेरिका नहीं। और अब की बार हुआ युद्ध तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा और दुनिया के नक्शे में फिर से पाकिस्तान नहीं होगा। ओ, अब तो हाथों को उठाए तेरी हरकत पे तू एक दिन खून के आंसू रोए। तेरी हरकत पे तू एक दिन खून के आंसू रोएगा। जब तक तो तेरे देश में मेरा तिरंगा लहराएगा। जब तेरे देश में मेरा तिरंगा लहराएगा। जब तक तो तेरे देश में मेरा तिरंगा लहराएगा। जब तेरे देश में मेरा तिरंगा लहराएगा। मैं हिंदू हूँ और हिंदू जगाने आया हूँ। मैं हिंदू हूँ और हिंदू जगाने आया हूँ। और पूरी भारत की धरती पर तिरंगे लहराने आया हूँ। भारत माता की। आप ये चाहते हैं कि भारत की धरती पर तिरंगा लहरे और लहरा रहा है। ये राजू माली चाहता है पाकिस्तान की धरती पर तिरंगा लहरे। जरूरत अरे जरूरत पड़ेगी तो कश्मीर जाएंगे पाक की धरती पर तिरंगा लहराएंगे। अभी भी वक्त है सुधर जा पाकिस्तान वरना हिंदुस्तान के फौजी तुझे कुत्ते की मौत मारेंगे। कि क्या कहते हो कि देशद्रोही हमसे टकराएंगे। कि क्या कहते हो कि देशद्रोही हमसे टकराएंगे वो कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। कि आज दुर्गा की बेटी ने तुझे ललकारा है। कि आज दुर्गा की बेटी ने तुझे ललकारा। कहो गर्व से हम हिंदू हैं। हिंदुस्तान 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 हमारा है। जब जब आंख मेरी खुले तो प्रीत हिंदुस्तान की हो। जब आंख मेरी बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं मरते वक्त मिट्टी भी हिंदुस्तान की हो। भारत माता की। तालियां चाहिए सब लोग। बात का जवाब दूं चाहते आप? आपने बोला आप हमारे गाने का जवाब देने के लिए और आपको देना ही पड़ेगा। आपने कहा कि हिंदुस्तान में रहना होगा और वंदे मातरम कहना होगा। तो जो लोग वंदे मातरम नहीं बोलते वो मेरी चार पंक्तियां सुन ले। सात सुरों को मिला करके एक लय में बोले। सात सुरों को मिला करके एक लय में बोले। माँ भवानी के एक सिंगों की तरह निर्भर होकर के बोले। जिनकी रगों में है बाप का खून केवल वही वंदे मातरम बोले। जय श्री राम की धारा से। एक ही नारा
शहीदों के नाम है। राज तिलक की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी, गौ हत्या को बंद करो, गौ हत्या को बंद करो, पुकार दी पुकार, पुकार दी मां भारत, भस्म से महाशिवरात्रि मनाएंगे।